जाने में गुजर जाता है। बस कहते हैं वक्त हो लेता है तो फिर चलते हैं, हो लेता है तो फिर चलते हैं, वो फुला आ जाता है तो फिर चलते हैं, फुला आ जाता है तो फिर चलते हैं। अल्लाह के बंदे, आपको दावत नहीं दी गई, आप सबको दावत दी गई है, एक वक्त जो है वो बताया गया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी सारी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, उन्होंने हमें वक्त की पाबंदी भी तो सिखाई है। अल्लाह करे कि ये वक्त का एहसास हमारे दिलों में पैदा हो जाए, और मजलिसों में कोई भी जो है वो फंक्शन हो, कोई महफिल हो, कोई भी किसी किस्म का प्रोग्राम हो, तो वहाँ हम जो है वो वक्त पे पहुँचे, ना सिर्फ वक्त पे पहुँचे बल्कि वक्त से पहले जो है वो पहुँचे, जो एक मुसलमान की, एक मोमिन की शान है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी उन्होंने हमें वक्त की पाबंदी सिखाई है। एक सहाबी के साथ उनका जो है वो किसी जगह मिलने का वादा हुआ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो वक्त मौजूद था, जो वक्त तय हुआ था, उस वक्त पर जो है वो वहाँ पहुँच गए। अब वो जो साहिब थे उनके दिल से ये बात निकल गई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उस जगह जो है उन अपने साहबी का 3 दिन तक इंतज़ार किया, खुद वक्त पे पहुँच के 3 दिन तक इंतज़ार किया, और 3 दिन के बाद उन साहिब की वैसे याद उनको फिर भी नहीं आया। वैसे जो है वो उस तरफ जो है वो कहीं जाना हुआ तो देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो पूछा क्या बात, बताया भी आपके साथ वक्त तय हुआ था, तो हो फिर बड़े जो है पशेमान हुए, शर्मिंदा हुए। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है वो वक्त की पाबंदी सिखाई है। नमाज पंजगाना भी हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है, अल्लाह का कुरान भी हमें वक्त की पाबंदी सिखाता है। फरमाया वाउफू बिल अहद, अहद को, वादे को पूरा करो। जब कोई बात तय हो जाती है आपस में तो उस बात को पूरा करो। ये जब जो है एक मेज़बान ने आपको जो है पैगाम दिया, वक्त दिया कि बराए मेहरबानी अपने कीमती वक्त में से फलां वक्त से लेके फलां वक्त तक हमें जो है वो आप वक्त दे दें, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि भैया आप जो है ये कि जो बात तय जो हो गई, एक सदा आ गया, आपने सदा कबूल कर लिया, तो फिर इस सदे पर वक्त पर जो है वो पहुँचे। इन्नल अहदा काना मसूला, इसके बारे में भी पूछ होनी है। तो आली अखलाक, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सीरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नबी के अखलाक आला से आला हुआ करते हैं, लेकिन यह कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकियों के अखलाक बेहतर थे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बेहतरीन थे। इन्नक लअला खुल्क़िन अज़ीम, अल्लाह खुद फरमाते हैं मेरे हबीब आपकी अखलाक अजीम हैं। तो ये आपकी जो है वो सीरत है जिसे हमें अपनाने का हुक्म दिया गया है, वक्त की पाबंदी। मैंने देखा है अब तो लोग जनाजे पर भी ऐन वक्त पे जाते हैं, ऐन वक्त पे, 5 मिनट पहले नहीं जाएंगे, बल्कि बाद लोग तो यूँ समझें वो आज तरक्की याफ्ता दौर है, वो मोबाइल पास है, मोटरसाइकिल पास है, तो बिल्कुल वो मौली साहब के जो 5 मिनट होते हैं ना उनको भी वो पूरा करके जाते हैं। मौली साहब के जो 5 मिनट है, कहते हैं मौली साहब ने 5 मिनट बात करनी है, लेट ही करना है, तो मौली साहब के 5 मिनट भी पूरे करके फिर वो जाते हैं ताकि जो है मौली साहब की बात सुनने की नौबत ना आए, बस अल्लाह अकबर में शामिल हो जाए। और इसी तरह ये शादी हालों में क्या होता है, ये मैंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई जो है वक्त पर जो है वो शादी, 2 बजे का वक्त होता है और असर वहाँ हो जाती है। 2 बजे का मतलब है दिल में बात होती है कि जी जोहर पढ़ के चलेंगे, वहाँ 2 बजे पहुँच जाएंगे और फिर जो है 2:30-3 बजे वापसी हो जाएगी, लेकिन होता क्या है 2 बजे जाते हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता और असर वही हो जाती है, 4, 4:30, 5 बजे बाद असर होनी होती है। तो आज तक मैं जितने भी शादी हालों में गया हूँ वो वक्त 2 बजे का होता है लेकिन असर वही हो जाती है, वहाँ असर पढ़ के आते हैं, अपनी मस्जिद में पढ़ाना नसीब नहीं होती उस दिन असर। क्या बात है जी 2 बजे की शादी के शादी पे गए हुए। तो ये जो है बड़ा दिल दुखता है इस बात से, और लोग वक्त की पाबंदी करके वो आगे निकल गए हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें वक्त की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमाए, इसको भी दीन का हिस्सा समझे। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारे मेहमान आ चुके हैं, जुमे का वक्त भी अब करीब है, तो मैं इस वजह से आप और मेहमानों के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता।